यूसीसी का मतलब क्या है? हर एक नागरिक को समान अधिकार, समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने में उत्तराखंड विधानसभा पहली विधानसभा है। विपक्ष ये कह रहा है कि हमसे इस पर कुछ नहीं पूछा गया और इसे जल्दबाजी में पारित करा दिया गया है, हमें सिर्फ 2 घंटे का वक्त मिला है। भारत भी ऐसा देश बनने जा रहा है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। यूसीसी समान नागरिक संहिता, जिसको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि पहली बार नहीं है कि जब इसको लेकर चर्चा हो रही हो। यूसीसी आज से नहीं, 2014 से जब से एनडीए सरकार आई थी तब से ही इसको लेकर चर्चा ज्यादा है। और एक दौर था जब कांग्रेस ने भी इसके पक्ष में कहा था कि यूसीसी हम लागू करेंगे। हालांकि किन कारणों की वजह से कांग्रेस ये कहती है कि हम यूसीसी लागू नहीं कर पाए। देखिए, यूसीसी का मतलब क्या है? हर एक नागरिक को समान अधिकार हो। इस विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। इस विधेयक पर उत्तराखंड में 2 दिनों तक लंबी चर्चा हुई है। सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर आमने सामने सुझाव दिए। समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने में उत्तराखंड विधानसभा पहली विधानसभा है। ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। और एक दिन में ये जो विधेयक है वो बनकर तैयार नहीं हुआ। इसका मसौदा तैयार करने में काफी समय लग गया। कई महीनों तक इस पर चर्चा हुई, कई महीनों तक इस पर विचार विमर्श किए गए। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि हमसे इस पर कुछ नहीं पूछा गया और इसे जल्दबाजी में पारित करा दिया गया है, हमें सिर्फ 2 घंटे का वक्त मिला है। अब ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है ताकि देश में हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। आगे आपको बताऊंगी क्यों जरूरी है, कौन कौन से देश में ये लागू है और इससे आपको क्या अधिकार मिल जाते हैं। उत्तराखंड की तर्ज पर हम बात करें क्योंकि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन रहा है देश का जहां पर यूसीसी कानून के रूप में आने जा रहा है। फिलहाल इसे पटल पर रखा गया और पारित भी करा लिया गया है, अब ये कानून की शक्ल लेगा। देखिए, अन्य सभी विधेयक प्रक्रिया और औपचारिकताएं तो पूरी हो गई हैं, इसके बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा में पेश किया था। सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए कानून का प्रावधान है। आसान भाषा में समझे तो हर एक धर्म में, चाहे वो विवाह हो, फिर उसके बाद चाहे तलाक हो, गुजारा भत्ता हो, विरासत हो, हर धर्म की बात कर रही हूँ तो एक कानून का प्रावधान होगा। महिला पुरुषों को समान अधिकार की सिफारिश भी है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है फिलहाल। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर इस पे जरूरत हुई तो आगे संशोधन किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने 2022 में, और सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि वो यूसीसी लागू कर रहेंगे, और अब वो धाकड़ धामी के रूप में कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और ऐसा होने जा रहा है। जनता से किए वादे के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई थी। समिति ने व्यापक जनसंवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में करीब 43 जनसंवाद कार्यक्रम, सरकार का यह कहना है कि प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम किए गए थे, 72 बैठकें हुई थी और साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों से भी समिति ने संवाद किया। अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में इसको लेकर ऐसी कोई डिमांड ना तो धरातल पर बड़े पैमाने पर नजर आई थी और ना ही इसका विरोध बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। हालांकि सरकार के तहत विपक्ष इसका विरोध जरूर कर रहा है, लेकिन अगर यूसीसी की हम बात करें तो आज भी अगर आप कहीं ऐसे कस्बों में जाएंगे, कई ऐसे ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, कई शहरों में भी जाएंगे तो यूसीसी का मतलब उन लोगों को नहीं पता होगा। यूसीसी है क्या, यूसीसी में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से आप हर चीज़ का अधिकार ले सकते हैं, ये उन्हें नहीं पता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या उत्तराखंड के लोगों में जागरूकता है? आगे जब ये देश में लागू होगा तब तो बड़े पैमाने पर इसको लेकर हो सकता है कि कई तरह के कार्यक्रम रखे जाएं, कई तरह से लोगों के बीच जाया जाए, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि उत्तराखंड में लोग क्या इसको लेकर जागरूक हैं? हो सकता है कि है तभी विरोध ना हो रहा हो सकता है कि नहीं है तभी विरोध ना हो रहा हो, दोनों पहलू पर बात है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है
उनके नेतृत्व में ये देश तीन तलाक और धारा 370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। देखिए, समान नागरिक संहिता का विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किया जा रहा है। और इस महान यज्ञ में, क्योंकि धामी इसे यज्ञ बता रहे हैं, तो प्रदेश ने पहली आहुति दे दी है। यूसीसी के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों में संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने की एक कोशिश है। तो चलिए उत्तराखंड के हिसाब से पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या है। कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, तलाक जैसे सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, जिससे महिलाएं आगे और सशक्त होकर उभरें। लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता, रीति रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कानूनी अधिकार आपको दे रहा है। इसमें ना तो किसी के संस्कृति के साथ छेड़छाड़ है, ना किसी की मान्यता के साथ छेड़छाड़ है, और ना ही रीति रिवाज के तहत इस पे किसी तरह का छेड़छाड़ किया गया है, कोई बदलाव किया गया है। पूजा का अधिकार है, आप कर सकते हैं, किसी की भी इबादत कर सकते हैं, कहीं पर भी पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। बाल और महिला अधिकारों की ये सुरक्षा ज़रूर करेगा ये कानून, ये वाकई कहीं ना कहीं इसमें नज़र आता है। यूसी के जो अन्य ज़रूरी प्रावधान हैं, प्रावधान मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आसान भाषा में समझे तो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, यानी कि मैरिज रजिस्ट्री। आज भी हमारे देश में कई इलाकों में ऐसा होता है कि शादी करा दी जाती है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो ऐसे में कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि तलाक जैसी चीज़ें हो जाती हैं और लोग बिना किसी सलाह मशवरे के, बिना किसी कानूनी पछड़ों के या तो विवाह को ख़त्म कर देते हैं, अमान्य करार दे देते हैं और दूसरी शादियाँ कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हम बात कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं है तो आपको सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। अब ऐसा है, पंजीकरण नहीं होगा तो सरकारी सुविधाओं से आपको वंचित रहना पड़ सकता है। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। लेकिन पहले से ही कानून है, लेकिन अब हर धर्म के लिए होगा, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं। वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति से अपना धर्म परिवर्तन करता है, यानी कि दूसरे धर्म में जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने, गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा। ज़बरदस्ती आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप सजा के पात्र हैं। पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 साल तक के जो बच्चे हैं उसकी कस्टडी सीधे माता के पास रहेगी। यानी कि अगर जैसे पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़े चल रहे हैं या तलाक उनका प्रोसेसिंग पीरियड में है, तो 5 साल तक के जो बच्चे हैं ऑटोमेटिकली उसकी कस्टडी माता के पास रहेगी, यानी कि माँ के पास रहेगी, और उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। अमूमतम हमने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस या तमाम चीज़ों को लेकर दबाव बनाया जाता है, और इसके ये पुरुषों के लिए मैं कह रही हूँ, और कई बार जो महिलाओं के लिए होता है वो ये कि आपने तलाक दे दिया किसी भी विषय पे और पत्नी चाहे इसके लिए राजी नहीं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती तलाक चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, समान अधिकार होगा। सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार होगा। हालांकि आज तो लोग पढ़े लिखे हैं और अपनी बेटियों को भी उतना ही हिस्सेदारी अपनी प्रॉपर्टी में रखते हैं जितना बेटे को रखते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि इसको लेकर जो लोग अवेयर नहीं हैं, कई तरह के झगड़े होते हैं, बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया से लोग गुजरते हैं, कोर्ट कचहरी में ऐसे मामले रहते हैं। लेकिन अब देखिए, कानून है तो आपको हिस्सा देना ही होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है, कौन नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि बेटियों को भी पूरा अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक होगी। ये सबसे ज़्यादा इस पर पॉइंट कहीं ना कहीं प्रकाश डालने की कोशिश है कि इससे महिलाओं को उत्पीड़न होता है। महिला शारीरिक से ज़्यादा मानसिक अवसाद से गुजरती हैं, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तो अब ये नहीं होगा। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज़ और नाजायज़ बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। होता ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति दो शादियां करता है, और या फिर अगर उसका कहीं और
कुछ अफेयर चल रहा होता है तो उससे जन्मे बच्चों को नाजायज़ करार दिया जाता है और प्रॉपर्टी में किसी तरह का उनका कोई वो नहीं होता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज़ और नाजायज़ बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नाजायज़ बच्चों को भी उस संपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों को समान अधिकार दिया जाएगा। अमूमन ऐसा होता है कि कई बार ससुराल वाले निकाल देते हैं, बच्चों को भी बेदखल कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसके माता पिता का भी उसकी संपत्ति में समान अधिकार होगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार को संरक्षित कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य है आज के दौर में, क्योंकि हम लगातार अपनी संस्कृति तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ समझ रहे हैं और समझाने की भी कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ हम वेस्टर्न कल्चर से भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। और आज भारत में आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ताकि आने वाले समय में वो साथ रह सकें, शादी कर सकें और एक सुखद जीवन जी सकें। लेकिन अगर आप बिना पंजीकरण के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो अब ये गैरकानूनी है। पंजीकरण करने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को, उनके माता पिता या अभिभावक को भी देनी होगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था लिव इन रिलेशनशिप के चलते ये पता नहीं होता था कि लड़की किसके साथ रह रही है, लड़का किसके साथ रह रहा है। तो ऐसे में जो महिलाओं के प्रति अपराध था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। हत्या कर देना, दुष्कर्म कर देना, छोड़ देना, मेंटली असॉल्ट करना, अब्यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड होंगे, ये पता होगा पुलिस को भी, ये पता होगा उनके पेरेंट्स को भी, या फिर कोई भी आपका अभिभावक है उसको। लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज़ बच्चा ही माना जाएगा। उस बच्चों को जैविक संतान के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से यूसीसी बिल पास हो गया है। इसको लेकर विपक्ष हंगामे भी कर रहा है, संशोधन की भी बात कर रहा है, कह रहा है कि हम इसे पूरी तरह से प्रवर समिति के पास से भेजा जाए, इसे समझा जाए, इसका विस्तार हो, अध्ययन हो, जो कमियां उसे दूर करके लागू किया जाए ताकि विपक्ष भी इसका समर्थन कर सके। हालांकि ये वही विपक्ष है जो एक समय था जब इनकी सरकार थी तो इसे लागू करने की तैयारी कर रहा था। कांग्रेस कहती है कि हमने भी किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिन पर कांग्रेस चर्चा कर चुकी है लेकिन वो ला नहीं पाई धरातल पर। लेकिन एनडीए सरकार में ऐसा हो रहा है कि जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं उसे पारित कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद स्कूल कॉलेजेस में बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी हो, इसको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, तो ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला गया है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड लागू है और ये बिल पेश होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अब किन देशों में? देखिए, भारत में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बड़े अच्छे देश हैं, विकसित देश हैं, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। किसी भी देश ने समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, ये भी हमें समझना है, जो उसके नागरिकों के सभी व्यक्तिगत मामलों को कवर करता है। हालांकि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। भारत के अलावा भी ऐसे कई अन्य देश हैं जहां नागरिकों के हित में सिविल कोड या इसके जैसे कानून बने हुए हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रोम, नागरिक कानून के सिद्धांत रोम में ही जन्मे हैं। यहाँ के लोगों द्वारा एक कोड बनाया गया था जिसमें नागरिकों के सिद्धांतों की बात की गई थी। इस कोड में शामिल था कि कानूनी मुद्दों पर फैसला कैसे लिया जाए। रोम में इसे जूस सिविले कहा जाता है। हालांकि समय के साथ साथ रोम के सिविल कोड में काफी बदलाव भी किए गए हैं। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड का काफी महत्व है। ये कोड यहाँ के हर नागरिक पर लागू होता है, लेकिन यहाँ कानून की नई परतें हैं जो देश, राज्य और काउंटी एजेंसियों और शहरों में अलग अलग लागू होती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर राज्य के पास खुद के लीगल इंस्टीट्यूशन हैं। यहाँ सुरक्षा, कराधान, सामान्य कानून के मुद्दे संघर्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे और सुलझाए जाते हैं। फ्रांस में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 1804 में यहाँ सबसे पहले नेपोलियन सिविल कोड लागू किया गया था। फ्रांस में इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इससे संपत्ति, वस्तुओं, सूदखोरी, सुखभोग, उत्तराधिकार, वसीयत, उपहार, अनुबंध और अर्ध अनुबंधों के एक विशाल क्षेत्र को अपने में सम्मिलित कर लिया।
फ्रांसीसी कोड ने विशेषाधिकार और समानता, रीति रिवाजों और कानून आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया। समय समय पर इस कोड में भी कई बदलाव किए गए। ये कोड 36 कानूनों और 2281 अनुच्छेदों से बना है, जो कि लोग, समान और संपत्ति तीन भागों में विभाजित है। तुर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए तुर्की संसद ने यूरोपीय देशों के नागरिक संहिता की तुलना करने के लिए एक समिति का गठन किया। ऑस्ट्रेलियाई, जर्मन, फ्रेंच और स्विस जैसे देशों की नागरिक संहिता की जांच की गई थी, जिसके बाद 25 दिसंबर 1925 को आयोग ने तुर्की नागरिक संहिता के मॉडल को स्विस नागरिक संहिता जैसे बनाने का फैसला लिया। इसके बाद 17 फरवरी 1926 को तुर्की नागरिक संहिता अधिनियम की गई थी। तो ये वो देश है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने अलग अलग तरीके से लागू किए गए हैं, और भारत भी ऐसा देश बनने जा रहा है, क्योंकि सरकार तो पुरजोर कोशिश कर रही है कि देश में UCC लागू हो। उत्तराखंड तो ये पहला राज्य बनने वाला है इसे लागू करने वाला, क्योंकि बिल तो पास हो गया है, अब कानून की शक्ल लेगा। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर UCC देश में लागू होना चाहिए या नहीं, UCC से क्या फ़ायदे, आपने कितना समझा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए हेडलाइन में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।